हाय गाइस, आप देख रहे हैं टेक्निकल स्टडी जोन। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिए क्योंकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो दोस्तों, CITS के एडमिशन का फर्स्ट काउंसलिंग, सेकेंड काउंसलिंग, थर्ड काउंसलिंग, फोर्थ काउंसलिंग और स्पॉट एडमिशन 2 भी हो गया है। तो अभी निमी ने एक नया एडमिशन के बारे में पब्लिश किया है जो कि है फाइनल स्पॉट एडमिशन। तो यही है निमी का लास्ट एडमिशन प्रोसेस जो है फाइनल स्पॉट एडमिशन। तो इस स्पॉट एडमिशन कैसे होगा तो मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये फाइनल काउंसलिंग जो है वो 28 सितंबर में होगा, ठीक है। और ये जो फाइनल काउंसलिंग है वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए भी होगा और अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट के लिए भी होगा। जो लोग 600 रुपीज़ करके रजिस्टर किया था लेकिन उन लोगों का सीट नहीं मिला स्पॉट काउंसलिंग 2 पर, ठीक है, उन लोग आप लोग क्या है वो फाइनल स्पॉट काउंसलिंग में बैठ सकते। और जो लोग रजिस्टर नहीं किया है 600 रुपीज़ से, उन लोगों का स्पॉट काउंसलिंग जो होगा वो रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के सीट मिल जाने के बाद अगर कुछ खाली रहे तो उन लोगों को स्पॉट काउंसलिंग में चांस मिलेगा। तो जो लोग रजिस्टर्ड कैंडिडेट्स है उन लोगों को 28 सितंबर में काउंसलिंग होगा और जो लोग रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, उन लोगों को 28 सितंबर के बाद यानी कि एक दिन बाद 29 और 30 सितंबर होगा, ठीक है। अगर जो लोग रजिस्टर किया है उन लोगों को अगर एडमिशन कोई नहीं लिया, कोई सीट बचा तो ही अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स वो सीट पा सकते हैं, ठीक है। वो डायरेक्ट इंस्टीट्यूट में जाके पूछताछ करके लेना होगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं निमी ऑनलाइन एडमिशन .in पे जाके, यहाँ पे आप ऊपर पे लिखा है क्लिक हेयर टू चेक वैकेंसीज इन इंस्टीट्यूट्स, तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है सिलेक्ट ए इंस्टीट्यूट टू व्यू वैकेंसी पोजीशन। तो यहाँ से आप क्या है कौन सी इंस्टीट्यूट में कितना सीट खाली है ये आप देख सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ ATI चेन्नई, फिर यहाँ पे सबमिट करता हूँ। सबमिट करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा है कारपेंटर जो टोटल वैकेंसी 80, जिसमें एडमिटेड 53, अवेलेबल सीट 27। तो अभी तक 27 कारपेंटर में खाली है। तो ऐसे करके सब ट्रेड वाइज दिया गया है कौन सी ट्रेड में कितना खाली है। तो आप देख सकते हैं लगभग सभी ट्रेड में बहुत सारा सीट खाली है। तो फाइनल स्पॉट काउंसलिंग में आपको सीट मिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे करके आप जो इंस्टीट्यूट में एडमिशन लेना चाहते हो तो उस इंस्टीट्यूट का नाम सिलेक्ट करके सर्च करके आप देख सकते हैं आपके ट्रेड वाइज कितना वैकेंसी है, ठीक है दोस्तों। फिर चलते हैं हम मेन पेज पे, निमी ऑनलाइन एडमिशन .in का मेन पेज में। मेन पेज में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखाई दे रहा है फाइनल काउंसिलिंग फॉर फ्रॉम 28 सितंबर, सी इंस्ट्रक्शन फॉर डिटेल्स। तो यहाँ पे आप क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आपको एक PDF डाउनलोड हो जाएगा। तो PDF डाउनलोड हो जाने के बाद आप देख सकते हैं PDF में पूरा डिटेल्स दिया गया है। जिसमें कि लिखा है इंस्ट्रक्शन टू कैंडिडेट फाइनल काउंसिलिंग। फाइनल काउंसिलिंग के लिए ये इंस्ट्रक्शन है और जिसमें लिखा है फाइनल काउंसिलिंग टू CITS एडमिशन 2018 विल बी कमेंस फ्रॉम 28 to 30, यानी कि 28 से 30 तारीख तक फाइनल स्पॉट एडमिशन चलेगा। तो
तो जिसमें लिखा है द वैकेंसीज अवेलेबल इन डिफरेंट इंस्टीट्यूट फॉर रेस्पेक्टिव ट्रेड्स विल बी डिस्प्लेड इन द पोर्टल। तो जैसे मैंने दिखाया कि पोर्टल में कौन सी इंस्टीट्यूट में कितना सीट खाली है ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। और लिखा है कैंडिडेट्स हु हैव रजिस्टर्ड फॉर सेकेंड स्पॉट काउंसिलिंग एंड डिड नॉट गेट एडमिशन विल रिपोर्ट टू देयर चॉइस ऑफ देयर इंस्टीट्यूट ऑन 28। तो जिन कैंडिडेट्स ने रजिस्टर किया था स्पॉट काउंसिलिंग टू के लिए लेकिन उसका एडमिशन नहीं हुआ, तो वो 28 का जो फाइनल काउंसिलिंग फाइनल स्पॉट काउंसिलिंग में उसमें बैठ सकते हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है 5 नंबर पॉइंट में देख सकते हैं इफ एनी कैंडिडेट्स लेफ्ट ओवर सेकेंड काउंसिलिंग रिपोर्ट्स एनी टाइम। और 6 में लिखा है इन नो केस कैंडिडेट्स हैव अप्लाई ऑलरेडी टेकन एडमिशन टू एनी इंस्टीट्यूट विल बी एंटर्ड फॉर एडमिशन इफ वैकेंसीज विल स्टिल एग्जिस्ट इन इंस्टीट्यूट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेड देन रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स हु हैव नॉट रजिस्टर्ड। तो 7 नंबर पॉइंट को आप देखिए ध्यान से, इफ वैकेंसी स्टिल एग्जिस्ट इन इंस्टीट्यूट फॉर ए स्पेसिफिक ट्रेड देन रिमेनिंग एलिजिबल कैंडिडेट्स कैन ऑल्सो कॉन्टैक्ट द इंस्टीट्यूट इन पर्सन ऑन 29 एंड 30 एंड गेट हिज हर एडमिशन। और ब्रैकेट में जो लिखा गया है हु हैव नॉट रजिस्टर फॉर सेकेंड स्पॉट एडमिशन, तो जो लोग सेकेंड स्पॉट काउंसिलिंग के लिए रजिस्टर नहीं किया है, ठीक है, उन लोगों का एडमिशन जो होगा वो होगा 29 से 30 तक, और जो लोग रजिस्टर किया है उन लोगों का एडमिशन होगा 28 तक। तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं होने वाला है, तो जो लोग रजिस्ट्रेशन किए हो पहले तो उन लोगों का एडवांटेज मिलेगा, ठीक है। उन लोगों का सीट मिल जाने के बाद अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स को सीट मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है आप इंस्टीट्यूट में जाके आप डायरेक्ट भी एडमिशन ले सकते हैं, कितने कितने सीट ट्रेड में कितने सीट खाली है आप पूछताछ करके आप डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे लिखा है 8 नंबर में ऑल एडमिशंस फॉर CITS 2018 विल बी क्लोज्ड ऑन 30 सितंबर, देयर आफ्टर नो एडमिशन विल टेकन प्लेस इन द इंस्टीट्यूट। तो CITS 2018 का जो एडमिशन प्रोसेस है वो 30 तारीख को पूरा ख़त्म हो जाएगा, ठीक है, सीट खाली रहे या भर जाए, ठीक है, उसके बाद कोई भी एडमिशन नहीं होगा, ठीक है। तो 29 और 30 जो तारीख है उसमें से ही आपको पूरा सीट भर दिया जाएगा। जो लोगों को एडमिशन नहीं मिला है नहीं मिलेगा, जितना सीट खाली रहेगा तो डायरेक्ट आपका एडमिशन हो जाएगा। और नीचे लिखा है इम्पोर्टेंट डेट्स फॉर सेकेंड स्पॉट एडमिशन जो फाइनल है उसका, तो फॉर फाइनल काउंसिलिंग फॉर रजिस्टर कैंडिडेट्स के लिए है 28, और फाइनल काउंसिलिंग फॉर अनरजिस्टर्ड कैंडिडेट्स के लिए है 29 to 30। तो दोस्तों ऐसे करके आपको सीट मिल जाएगा, ठीक है, कोई परेशानी नहीं। फाइनल जो रजिस्टर किए हो जो जो बंदे उनको तो सीट मिल जाएगा, और जो रजिस्टर नहीं किए हो तो उन लोगों को सीट मिल जाने के बाद आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो अगर वीडियो को अच्छा लगे तो लाइक और शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और ज़्यादा जानकारी के लिए आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं आपका सवाल। तो चलिए, धन्यवाद।